Hello students, welcome to BBVN online classes, and today we will read a new chapter and its name is The Seven Ages of Man. अगर राइटर की बात करें तो ये ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, who was born in 1564 and died in 1616, was an English poet and dramatist. He is regarded as the greatest writer in the English language. Greatest writer के तौर पर हम उनको English जो literature है वो उनको consider करता है. His birthplace Stratford upon Avon is a national heritage site visited by thousands of people every year. तो हर साल जो है उनके बर्थ प्लेस पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उसको विजिटिंग साइट के तौर पर गवर्नमेंट ने रखा है और हज़ारों लोग जो हैं हर साल उनके बर्थ प्लेस को देखने के लिए जाते हैं. हिज प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट. और उनके लिखे जितने भी प्लेस हैं वो हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं और कई बार जो है वो ड्रामास जो हैं प्लेस जो हैं वो प्ले भी किए हैं. सो टुडे वी विल रीड वन ऑफ हिज पोएम दैट इज़ द सेवन एजेस ऑफ मैन. सो एज द टाइटल डिफाइंस इसमें हमने मैन की जो सात एजेस होती हैं उसके लाइफ की सात एजेस होती हैं उसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने बात की है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग. ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मैरिली प्रेयर्स. तो पूरी दुनिया जो है वो एक स्टेज है और जितने भी मैन एंड वीमेन इस दुनिया में हैं वो सारे कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस. जैसे कि हर एक ड्रामा में एक टाइम के बाद में आपने प्लेस देखे होंगे तो एक जब एग्जिट और एंट्रेंस जो है वो पहले से डिसाइड होती है कि फ्लोर पर या स्टेज पर कौन कब आएगा और कब जाएगा, वैसे ही इस दुनिया में हर एक आदमी की हर एक औरत की पहले से ही एंट्री और एग्जिट डिसाइडेड है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. और एक आदमी जो है एक टाइम में बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो प्ले करता है यानी कि कैरेक्टर्स प्ले करता है. हिज एक्ट्स बींग सेवन एजेस. और ये जो उसके एक्ट्स होते हैं उसको हम सेवन एजेस में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट एट फर्स्ट द इन्फेंट. सबसे पहली जो कैरेक्टर उसको मिलता है वो है एक इन्फेंट का यानी कि जन्म लेते हुए बच्चे का. म्यूइंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म. और उस टाइम पर वो क्या करता है, बहुत रोता है और प्यूक करता है उसके बाजुओं में जो उसको संभालती है. एंड देन द वीनिंग स्कूल बॉय. और उसके बाद में सेकेंड स्टेज आती है वो है स्कूल गोइंग बॉय की. विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. और जब वो स्कूल जाता है उस टाइम पर जो उसकी एज रहती है उस टाइम पे उसके फेस पर बहुत सुंदर सा ग्लो रहता है और वो बहुत देखने में प्यारा लगता है. फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल. और वो कैसे चलता है, जैसे स्नेल चलता है धीरे 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 धीरे. अनविलिंग टू स्कूल. और इस टाइम पर उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल जाने में पर जाना पड़ता है. एंड देन द लवर. और थर्ड स्टेज या थर्ड एज जो एक मैन की लाइफ में आती है वो है लवर की. शाइनिंग लाइक फर्नेस विद अ वॉफुल वेलेट. फर्नेस का मतलब होता है जिस तरीके से आग चलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, उसी तरीके से इस स्टेज पर जो मैन होता है वो भी अंदर से जलता रहता है और उसके बाजुओं में उसकी यूथ में काफ़ी पावर होती है. विद अ वोफुल बैलेट. और जब उसके लवर उसको छोड़ के चली जाती है तो वो बहुत ही पिटियस सॉन्ग जो है रोते हुए क्राइंग बैलेट्स कविताएँ जो है वो लिखता है उसकी याद में. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. और वो बैलेट जो है वो किस पर लिखी हुई रहती है, अपनी मिस्ट्रेस के आईब्रोज पर. इट मीन्स अपनी मिस्ट्रेस की ब्यूटी पर. देन अ सोल्जर्स फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ट. और उसके बाद में फोर्थ स्टेज जो है वो आती है एक सोल्जर की. फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स उसकी जो
चाहत होती है, उसकी जो वो चीज़ अचीव करना चाहता है वो एकदम स्ट्रेंज होती है. देन फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स एंड बियर लाइक द पार्ट. यहाँ पर पार्ट का मतलब है लेपर्ड. तो जिस तरीके से एक लेपर्ड किसी चीज़ से डरता नहीं है, उसी चीज़ से जो सोल्जर है वो भी घबराता नहीं है. जेलस इन आन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल. और उस टाइम पर वो किसी के दूसरे के सम्मान को देखकर जलता है, क्योंकि वो भी उस चीज़ को अचीव करना चाहता है. सडन एंड क्विक इन क्यूरल. और उस टाइम पर जब उसकी पूरी यूथ रहती है, उसमें बहुत पावर रहता है एक लेपर्ड की तरीके से, तो वो जल्दी ही किसी के साथ में झगड़ा जो है वो कर बैठता है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ. और उस टाइम पर जब वो मौत के मुँह के अंदर है, इट मीन सोल्जर है, तो इधर से उधर से दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही है, फिर भी उसको क्या चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, सम्मान चाहिए. तो टिल नाउ हमने पढ़ा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं मैन और वुमेन, वो खाली प्लेयर्स हैं इस स्टेज पर, इस रंगमंच पर एक ड्रामा को परफॉर्म करने वाले. पहली उनको जो एक्ट है वो मिलता है एक इन्फेंट का, जो हर टाइम पर ज़ोर ज़ोर से रोता रहता है और प्यूक करता रहता है उस लेडी के हाथों में जो उसको नर्स कर रही होती है. सेकेंड एक स्कूल बॉय, जो कि एक उसके चेहरे पर बहुत क्यूट सी शाइन हमेशा रहती है क्योंकि ग्रोइंग फेस है, लेकिन अनविलिंग टू स्कूल, लेकिन स्कूल नहीं जाना चाहता, एकदम रेंग रेंग के स्कूल जाता है. हर एक इंसान की बात है ये. देन वो बनता है एक लवर, जो कि जिसमें कि बहुत फायर है, बहुत पावर है. और जब उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उसकी याद में बैलेट्स लिखता है, छोटी छोटी पोएम्स लिखता है, इट मीन्स वो अपनी मिस्ट्रेस को याद करता है. फोर्थ स्टेज आती है एक सोल्जर की. अजीब से उसके पास में अजीब तरीके से चीज़ें होती हैं अचीव करने के लिए, और एक लेपर्ड की तरह हमेशा वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और किसी के भी ऑनर से बहुत जल्दी जल जाता है. एंड देन बहुत ही सडनली क्वेरल्स में पड़ जाता है, झगड़ा कर बैठता है, और इवन जहाँ पर गोलियाँ चल रही है वहाँ पर भी उसको अपनी जो रेस्पेक्ट है, वो रेपुटेशन जो है वो गेन करने की लगी रहती है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.